A very good morning to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic the enemy, and in today's class we will wind up this topic as far as its summary is concerned. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. Shadow helps the enemy. तो देखिए, Shadow told the escape plan to Tom. Tom जो है वो American soldier है और अभी तक की story आप सब जानते ही हैं. तो जो Shadow है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. ही इज द प्रोटोगनिस्ट. ही इज वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. सो ही प्लान्स कि भाई जो टॉम है इसको किसी तरह यहाँ से भगा दिया जाए, किसी तरह इसको प्लान करके बाहर निकाल दिया जाए. जिससे Shadow told द escape plan to Tom. टॉम जो है वो अमेरिकन सोल्जर है और उनको ये बताते हैं कि आपको किस तरह से भागना है, ये हमने प्लान कर लिया है. He also warned him that he needed to escape as the news of his presence was not hidden anymore. और वो बताते हैं कि अब तो तुमको भागना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब ये जो तुम्हारे छिपने की खबर है ये अब छिपी नहीं है और ये लगभग लगभग सभी लोगों को पता चल गई है. He arranged a boat, food, drinking. अब वो अरेंज करते हैं फूड को, अरेंज करते हैं खाने पीने की चीजें यूज वो करते हैं, और वाटर एंड क्लोथिंग फॉर द यंग मैन. पानी की व्यवस्था करते हैं, कपड़ों की व्यवस्था करते हैं उस युवा आदमी के लिए. एंड ऑल्सो गेव हिम हिज ओन फ्लैश लाइट. और एक फ्लैश लाइट भी देते हैं, क्योंकि अगर आपको समुद्र में यात्रा करनी है बोट से तो फ्लैश लाइट यानी कि कुछ लाइट वगैरह, लाइटिंग तो होनी ही चाहिए, तो वो भी देते हैं. ही टोल्ड टॉम दैट ही शुड फ्लैश द लाइट टू टाइम्स इफ ही नीडेड समथिंग. और वो ये भी बताते हैं कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो दो बार टॉर्च जलाएं, जला के इशारा करते हैं. वंस इफ एवरीथिंग वॉज फाइन ही मस्ट डू दिस ओनली व्हेन द सन ड्रॉप्ड अंडर द हॉरिजॉन. और उन्होंने बताया कि और जब भागने के प्लान है तो वो जैसे ही सूरज नीचे ढले, ठीक है, तो तभी भी भागना है, तब आपको. ही फर्दर एडेड दैट Tom could find many fish to eat, but he should not eat them raw, lest the fire be seen. जब तक जो है फायर ना मिले तो उनको ऐसे ही खाना है मछलियों को, डायरेक्ट बिना पकाए. Even Hannah did not know about this plan. Shadow had told Tom to wait for a Korean ship. और ये जो प्लान है ये Shadow अपनी वाइफ को भी नहीं शेयर करता है, बहुत ही सीक्रेट रखता है. और वो कहता है कि Shadow टोल्ड टॉम को बताता है टू वेट फॉर अ कोरियन शिप, और कोरियन शिप का इंतजार करने के लिए वो बोलता है कि तब तक इंतजार करना जब तक कोरियन शिप ना आ जाए. Shadow went to the general and informed him that the American had escaped. अब ये Shadow अपना काम शुरू करते हैं और जनरल के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है, वो जो सैनिक था टॉम वो तो भाग गया है. द जनरल इन्फॉर्म्ड Shadow दैट ही फॉरगॉट अबाउट द प्रिजनर. और जनरल जो है वो कहते हैं कि अरे मैं खुद ही भूल गया, आपने बताया था तो मेरे जहन से वो चीजें चली गई, मैं खुद ही भूल गया. अब भूले क्यों है ये? एज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो खुद ही बीमार थे. ही टोल्ड Shadow नॉट टू लीक आउट दिस इन्फॉर्मेशन टू एनी मोर. और Shadow ने कहा कि भाई ऐसा है, ये वाली जानकारी तो अब किसी से छिपाना है, मतलब किसी से बताना नहीं और छिपा लेना. बैक एट होम Shadow रिमेम्बर्ड हिज डेज इन अमेरिका एंड द अमेरिकन्स ही मेट देयर. और फिर वो Shadow जो है कहीं ना कहीं अमेरिकन से उनको लगाव है, क्योंकि वो अमेरिका में इतने दिन रहे हैं तो वो अमेरिकन्स को याद करते हैं और वहां उन्होंने जो जीवन जिया उसको याद करते हैं. और वो He wondered why he could not kill Tom, his enemy. और वो ये भी विश्वास नहीं करते हैं अपने ऊपर कि क्यों उसने टॉम को छोड़ दिया, या क्यों उसको जाने दिया, क्यों उसकी सहायता की, क्यों उसका ऑपरेशन किया. ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं. तो ये चैप्टर आपका इन हुआ, ठीक है. ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा एक चैप्टर था. एक जो Shadow कैरेक्टर है उसने ह्यूमिनिटी को प्रेफरेंस दिया इन कंपेरिजन टू पैट्रियोटिज्म. यानी कि हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्सियल मैटर है कि आप दुश्मन को बचा रहे हैं और देश, लेकिन ठीक है, मानवता जो है वो जीती है यहाँ पे.
ह्यूमिडिटी विंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।